नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दिल्ली एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने से हड़कंप। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल पर शुक्रवार को रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह पदार्थ टर्की से आए एक कंटेनर से लीक हुआ। घटना का पता चलते ही एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। रेडियो एक्टिव पदार्थ को फोर्टिस अस्पताल के लिए लाया गया था। रेडिएशन की वजह से कई लोगों की आंखों में पानी आने की भी खबर है। अधिसूचना मामले में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अधिसूचना मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की अवकाशकालीन खंडपीठ ने केंद्र की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पैरा 66 अप्रासंगिक है और उच्च न्यायालय इस पर अलग से निर्णय ले सकता है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के संदर्भ में उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर भी रोक लगाई जाती है। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय केजरीवाल सरकार की नई याचिका पर सुनवाई गत 25 मई के एकल पीठ के आदेश से प्रभावित हुए बिना करेगा। शराब खाना नहीं हटा, महात्मा गांधी की मूर्ति हट गई। अंग्रेजी राज में शराबबंदी के खिलाफ जंग छेड़ने वाले महात्मा गांधी की प्रतिमा को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक बार के चलते हटाना पड़ा। गुंटूर में एक सड़क किनारे गांधी की प्रतिमा पिछले 23 सालों से लगी थी। हाल ही में इस मूर्ति के पास ही बार भी खुल गया। शहर के लोगों ने बार पर आपत्ति जताई। मामला जब प्रशासन तक पहुंचा तो बार के बजाय गांधी प्रतिमा को हटवाने का आदेश दिया गया। प्रशासन का कहना है कि मूर्ति को दूसरे हिस्से में लगाया जाएगा। दाऊद के गुर्गे ने अदालत में लिया था मॉडल का ऑडिशन। मुंबई पुलिस एक मॉडल की ओर से किए गए चौंकाने वाले खुलासे की जांच कर रही है, जिसमें उसने दावा किया है कि अदालत के भीतर उसे और दो अन्य लड़कियों को गैंगस्टर मुस्तफा दोसा के दुबई स्थित जेवरात की दुकान में फ्रंट डेस्क कार्य के लिए चुना गया था। दाऊद का सहयोगी दोसा जेल में है और मुंबई सिलसिलेवार धमाकों के सिलसिले में मुकदमे का सामना कर रहा है। लड़की के अनुसार उसे और 7 अन्य को दोसा के निरीक्षण के लिए कोर्ट रूम में ले जाया गया। दोसा कटघरे में बैठा था। यह वाकया मई के पहले सप्ताह का है। आईएस आतंकवादियों के निशाने पर सिंगापुर। कुख्यात आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट अमेरिका और फिलीपीन के साथ साथ सिंगापुर पर भी आतंकवादी हमला कर सकता है। एस राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के विश्लेषक एफ जसमिंदर सिंह ने इस खतरे के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट के समर्थकों ने फिलीपीन और अमेरिका को भी निशाने के रूप में चुना है। रिपोर्ट में सिंह ने कहा कि इस समय इंडोनेशिया से 700 से ज्यादा और मलेशिया से 200 से ज्यादा लड़ाके इराक और सीरिया में लड़ रहे हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।